सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का संपूर्ण वर्णन है। यह पवित्र ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश माना गया है। इस पवित्र ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं और इसी कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। भुवनेश्वरी संहिता में यह वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, उसी प्रकार शक्ति उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में देवी दुर्गा के चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इस ग्रंथ के 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य रूप से 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा अध्याय तथा शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और तीसरे उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में माता महाकाली की स्तुति 1 अध्याय में, माता महालक्ष्मी की स्तुति 3 अध्यायों में और माता महासरस्वती की स्तुति 9 अध्यायों में वर्णित की गई है। प्रथम चरित्र में माता महाकाली का बीज अक्षर ओम एम है। इस पवित्र दुर्गा सप्तशती में मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, वशीकरण के 60 और विद्वेषण के भी 60 प्रयोग दिए गए हैं। इस प्रकार ये कुल 700 श्लोक 700 प्रयोगों के समान माने गए हैं। श्री दुर्गा सप्तशती महात्मय धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। यह ग्रंथ इतना अलौकिक और इतना अधिक अद्वितीय है कि तौल में तराजू के पलड़े पर दूसरा कोई और स्तोत्र हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी पार्वती, इस स्तोत्र से बढ़कर पवित्र तथा भौतिक एवं पारलौकिक सुख देने में समर्थ कोई और स्तुति ग्रंथ है ही नहीं। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से ही सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का यह पाठ सभी प्रकार की मनोरथ सिद्धि के लिए किया जाता है। माता भगवती की महिमा का गान करने वाला यह धर्म ग्रंथ अपने अंदर सभी सुखों को पाने के महागुप्त साधन समीजे हुआ है। इस महान ग्रंथ का पाठ विशेष रूप से नवरात्रि में किया जाता है और उसका फल अचूक फल प्रदान करता है। इसका पाठ करने वाला, पाठ सुनने वाला सभी देवी कृपा के पात्र बनते हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय का अपना एक अलग महत्व है, जिसका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। किसी भी जातक को राहु, शनि और मंगल से बुरे फल प्राप्त हो रहे हों, तो ये अध्याय उनके बुरे दोषों को दूर करने में पूरी क्षमता रखते हैं। प्रत्येक अध्याय का अपना एक अलग ही महत्व है। आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय का क्या महत्व है। प्रथम अध्याय, हर प्रकार की चिंता को मिटाने के लिए प्रथम अध्याय किया जाता है। मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को यह अध्याय दूर कर देता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है और जो चेतना खो गई है उसको यह एकत्रित करता है। दूसरा अध्याय, मुकदमे, झगड़े इत्यादि में विजय प्राप्त करने के लिए यह दूसरा अध्याय बहुत ही रामबाण है,
परंतु यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि आप स्वयं ही बुरा परिणाम भोगते हैं। तीसरा अध्याय, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तीसरा अध्याय किया जाता है। शत्रु यदि बिना किसी कारण के बन रहे हैं तो भी यह पाठ उत्तम माना गया है। चौथा अध्याय, भक्ति शक्ति और दर्शन पाने के लिए चौथा अध्याय किया जाता है। पांचवा अध्याय, यह अध्याय भक्ति शक्ति और दर्शन पाने के लिए किया जाता है। यदि आप हर प्रकार से परेशान हैं और यह सोचते हैं कि किसी भी मंदिर या दरगाह जाने से कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप इस पांचवें अध्याय का अध्ययन करें। छठा अध्याय, यह छठा अध्याय हर प्रकार का डर शक और बाधा हटाने के लिए किया जाता है। यदि राहु ग्रह की स्थिति खराब है, केतु ग्रह पीड़ा दे रहा है, तंत्र जादू भूत कई प्रकार के डर पैदा कर रहे हैं तो आप इस छठे अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें। सातवां अध्याय, यह अध्याय हर कामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यदि आप सच्चे हृदय से कोई कामना करते हैं तो यह अध्याय रामबाण का काम करता है, परंतु ध्यान रहे कि आपकी कामना किसी के अहित के लिए नहीं होनी चाहिए। आठवां अध्याय, यह अध्याय मिलाप और वशीकरण के लिए किया जाता है, परंतु वशीकरण किसी की भलाई के लिए ही होना चाहिए। यदि आपका कोई अपना बिछुड़ गया है तो यह अध्याय बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। नौवां अध्याय, यदि आपका कोई अपना घर छोड़कर चला गया है अथवा खो गया है तो यह पाठ उसके घर लौटने का साधन बनता है। यह अध्याय गुमशुदा की तलाश और पुत्र आदि की कामना के लिए किया जाता है। दसवां अध्याय, यदि बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हों तो यह पाठ पूर्ण रूप से प्रभावशाली माना गया है। ग्यारहवां अध्याय, यह अध्याय व्यापार और सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि व्यापार में लगातार हानि हो रही है, पैसा नहीं रुकता तो यह अध्याय करना चाहिए। बारहवां अध्याय, मान सम्मान और इज्जत जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपको जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो यह बारहवां अध्याय का पाठ करना चाहिए। तेरहवां अध्याय, यह अध्याय भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साधना के पश्चात पूर्ण भक्ति पाने के लिए तेरहवें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तो अभी हमने जाना कि दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का क्या महत्व है और नवरात्रि में मां की यथाविधि पूजा कर अखंड ज्योत जलाकर तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 1 करोड़ चंडी पाठ का फल प्राप्त होता है। अंत में सार यही है कि यह दुर्गा सप्तशती का पाठ शुभ की प्राप्ति और सभी अनिष्टों और कष्टों को शांत करने वाला होता है। यह देवी की कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। इस दुर्गा सप्तशती का पाठ साक्षात कामधेनु के समान माना जाता है। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करती हूँ कि आप सब भी इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण अथवा अध्ययन करें। मेरे चैनल में श्री दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच, श्री अर्गला स्तोत्रम और कीलक स्तोत्रम की वीडियोस हैं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सब इन वीडियोस को देखें, माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय माता दी, जय श्री दुर्गा सप्तशती।